स्ट्रेल बनाने के लिए हमें चाहिए 5 अंडे। 5 अंडे मैंने तोड़ के अपने इस मशीन में डाल दिए हैं और मुझे चाहिए 4 औंस चीनी। अब मैं इसको इतना बीट करूँगी कि ये डबल हो जाएगा वॉल्यूम में। एडिंग इन दिस 1/2 कप ऑफ शुगर। अच्छा, ये पैन ले लीजिए आप, कोई सा भी रेक्टेंगुलर पैन ले लीजिए। तो मैंने ग्रीस किया है, ग्रीस करने के बाद बटर पेपर से लाइन किया है, बटर पेपर को ग्रीस किया है। अभी नहीं डालूंगी इसमें, थोड़ा सा फ्लफी हो फिर डाल, वरना बैठ जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके डाल दीजिए और 1 कप मैदा, 4 ounces, 1 ounce कोको पाउडर, वेनिला एसेंस 1 टीस्पून। ये देखें, इतना बीट करना है कि जब आपने मशीन को रोका तो विस्क इस पे से जो लगा हुआ है अंडा, ये गिरना नहीं चाहिए। इट शुड नॉट ड्रॉप, इट शुड स्टैंड इन सॉफ्ट पीक्स। ये देखें, स्पीड करेंगे लो मैदा और कोको। 1 कप मैदा, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर को अच्छी तरह छान लीजिए। मैं ये हल्के से इसको फोल्ड कर रही हूँ, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता डाल के इस मिक्सचर को आपको करना है फोल्ड। और यहाँ मेरे पास बटर पेपर पे मैंने थोड़ी सी चीनी बचा ली थी, ज़रा सी एक्स्ट्रा थी वो, और ज़रा सा कोको पाउडर डाल के डस्ट कर दिया है। जैसे ही 8 मिनट हो जाएंगे स्विस रोल को, तो मैं इसमें इसको निकाल दूँगी, ओवरटर्न करूँगी, ठीक है, और फिर इसको हम रोल करेंगे। हमारा स्विस रोल हो चुका है, इस स्विस रोल को हम उठाएंगे और इसके ऊपर आप डाल दीजिए। फौरन काम ये करना है, अच्छा रख दिया तो ख़त्म। ठीक है, ये हमारा स्विस रोल रेडी है। ग्रेटेड चॉकलेट चाहिए 2 कप्स, हमें इसकी गिनाश बनानी है, और हमें व्हिप्ड क्रीम चाहिए थोड़ी सी। ठीक है, क्रीम हो रही है, क्रीम हल्की सी कॉर्नर्स पे वो हो गई, स्कैल्ड हो गई, बबल्स आने लगे, तो आपने उसका चूल्हा बंद कर दिया, चॉकलेट डाल दी। ठीक है, ये देखें हमारी गनाश रेडी हो चुकी है। ठीक है, अब ये मैंने जो रोल किया था इसको मैंने खोल दिया है। व्हिप्ड क्रीम, हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम पूरा कवर करेंगे विद फ्रेश क्रीम। आप इसको मैं रख रही हूँ फ्रिज में